हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है डिजिटल रिवॉल्यूशन में और आशा करता हूं बढ़िया होंगे। आज मैं फिर लेके आया हूं आपके लिए नई और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, जो कि दो स्कूटी के ऊपर कंपैरिजन है। एक एक्सेस 125 BS6 है, जो कि ब्लूटूथ एडिशन के साथ में आती है, टॉप मॉडल है, और एक्टिवा 6G जो कि टॉप मॉडल में आती है। यहाँ पर आपको LED में देखने को मिलता है इसका हेडलैम्प। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं और यहाँ पर क्या कुछ कंपैरिजन देखने को मिलता है, बाकी यहाँ पर प्रोस एंड कॉन्स क्या है। अब ये देख के आपके मन में एक ही चीज़ आ रहा होगा कि ये दोनों में कंपैरिजन कैसा है, जबकि ये 109 cc की आती है साथ में आती है और यहाँ पे 125 cc के साथ में आती है। बाकी इन दोनों में ही फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे ESP टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, जो कि काफ़ी साइलेंट स्टार्ट है। और यहाँ पर SCP टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, जो कि सुजुकी इको पावर है। तो इन दोनों में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये दोनों ही एक्टिवा 5G जब थी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली बाइक रही थी स्कूटी, जो कि होंडा की तरफ से आती है, और यहाँ पे सुजुकी की तरफ से आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। और अगर हमारे भाषा में बात करें तो यहाँ पे दोनों में ही आपको लतखोर देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों में ही आपको कितना भी रफ कंडीशन में चला लो, कितना भी ख़राब कंडीशन में चला लो, तो यहाँ पर टिकी हुई रहती है। तो इसके लिए यहाँ पर कंपेरिजन लाया हूँ। और यहाँ पर एक्टिवा 5G की बात करें, एक्टिवा 6G में चेंज किया है बस सस्पेंशन का, और यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर एक तरफ से मस्कुलर डिज़ाइन के साथ में आती है, जो कि यंग जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और दूसरी तरफ से आती है एक्सेस 125 BS6, जो कि थोड़ा सा आपको क्लासिक मॉडल देखने को मिलता है और रेट्रो लुक के साथ में आती है ये। तो यहाँ पे बुढ़े लोग भी अफोर्ड कर पाते हैं। बाकी यहाँ पे दोनों की प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस देखने को मिल जाता है, जो कि 12,000 तक का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है इन दोनों में। और क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट में आ जाते हैं, तो फ्रंट में आपको क्रोम फिनिश के साथ में यहाँ पर देखने को मिलती है, और ये वाइट मॉडल है, तो आपको फुल्ली डिजिटल देखने को मिलता है, जो कि कंसोल है यहाँ पे। और यहाँ पे बात कर लेते तो क्रोम फिनिश के साथ में आपको मिरर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप आ जाते हैं तो आपको DRLs देखने को मिलते हैं ये LED में, और यहाँ पे आपको भी देखने को मिलते हैं DRLs यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि नाइट विजन में ले काफ़ी अच्छे दिखते हैं, और ये रोड पर चलने में भी काफ़ी अच्छी दिखती है, और लगता है कि नहीं वैल्यू फॉर मनी स्कूटर आपने लिया है में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ आपको सुजुकी का आपको पहले भी देखने को मिलता था 3D एनवलप, और अभी भी देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आप आ जाते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, और ये मैट्रिक्स तरफ के टायर आते हैं, जो कि 90-90-12 के इंच के एलॉय व्हील के साथ में आते हैं। बाकी आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेसरीज लगी हुई है, जो कि एक्सेसरीज में आपको ये देखने को मिलता है। और बाकी यहाँ पर आप बात लेते हैं एक्टिवा 6G के बारे में, तो यहाँ पर आपको LED देखने को मिल जाता है, जो कि हेडलैम्प की तरफ से आता है, और यहाँ पे होंडा की यहाँ पे बेजिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे मस्कुलर डिजाइन के साथ में आपको लुक देखने को मिल जाता है एक्टिवा 6G का। और यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि ये काफ़ी अच्छा बदलाव किया गया है। नायलॉन ग्रिप जेपर से टायर देखने को मिल जाते हैं MRF के, और 19-19-12 के इंच के एलॉय व्हील के साथ में आते हैं, तो दोनों में ही आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेम देखने को मिल जाता है, जो कि टायर सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं एलॉय व्हील्स के बारे में। और वहीं पे एक्टिवा 6G की बात कर लेते हैं यहाँ पे रियर में, तो 19x110 के नायलॉन ग्रिप जेपर्स के टायर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक्सेस 125 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 90x110 के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोनों में ही आपको सेम इंच और एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि 10 इंच के एलॉय व्हील्स रियर में देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम फिनिश के साथ में आपको देखने को मिल जाता है इसका, जो कि साइलेंसर पर दिया गया है। और यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलर देखने को मिलता है, जो कि एक्सटर्नल आप बाहर से आके खोलते हैं, और यहाँ पे एक्टिवा 6G में भी आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलर देखने को मिलता है, लेकिन आप बैठे बैठे इसमें खोल सकते हैं, और यहाँ पे आपको उतर के आगे पीछे खोलना पड़ेगा। बाकी मुझे तो ये काफ़ी अच्छा ये फीचर्स लगा, जो कि पीछे आके खोलना पड़ेगा, तो आपके पेट्रोल की भी बचत होगी, और मतलब कि आपकी चोरी होने का कोई डर नहीं है, आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पर आप बैठ के कर सकते हैं, एक्टिवा 6G में काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है, जो कि बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे एक्सेस 125 के ऊपर लगा, और इस प्रीटी गुड, तो मैं एक्सेस 125 के ऊपर काफ़ी अच्छा इस पर दिया गया है ध्यान। और यहाँ पे फुटरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि इसके अंदर दी गई है फुटरेस्ट में, ये इसमें पानी जाने की शंका हो सकती है। बाकी यहाँ पर कंपनी इसके हिसाब से तो बनाई गई है कि इसमें पानी ना जाए, और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा और अच्छा फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। बाकी आपके यहाँ पे दो सिलेंडर का गैस आप इसमें कैरी कर सकते हैं साथ में। और यहाँ पे बात कर लेते सीट कंफर्ट की, तो सीट कंफर्ट मेरे को ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगा एक्सेस 125 का, जो कि काफ़ी अच्छा और स्मूथ लगा। बाकी एक्टिवा 6G भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आपको पेनिंग कर सकती है जैसे कि आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। तो अब यहाँ पर 124 cc का काफ़ी अच्छा सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड देखने को मिलता है इंजन, और यहाँ पर 109 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। बाकी आपको एक्टिवा 6G की यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है, और एक्टिवा एक्सेस 125 की यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रंट इसके मीटर में, तो PGM FI देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलता है, फ्यूल गार्ड का यहाँ पे मॉल फंक्शन की लाइट देखने को मिलती है, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स है। बाकी यहाँ पे आपको एक बार चालू करके दिखा देता हूँ मैं, तो कुछ इस प्रकार के करती है, और यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी साइलेंट स्टार्ट है ये, तो आपको मैं एक बार साइलेंट स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक वाइब्रेशन कम हो चुकी है, जो कि एक्टिवा 5G में आती थी, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे लुक देखने को मिलता है एक्टिवा 6G का। सॉरी मैं एक्टिवा 125 बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अभी एक्टिवा 125 की वीडियो बना रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं वही आपको क्लासिक लुक देखने को मिलता है, जो कि एक्सेस 125 की तरफ से पहले भी आता था और अभी भी आता है, और हेलोजन में ही आपको बल्ब देखने को मिलते हैं दोनों में ही। अब वहीं एक्सेस 125 में आ जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको फुली डिजिटल कंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गो का ऑप्शन है, यहाँ पे कॉल का, मैसेज का, और ब्लूटूथ एडिशन ये है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको कॉल और कुछ भी आएगा तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर शो करने लगेगा, बाकी किसका कॉल आ रहा है आपका नाम भी यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मॉल फंक्शन लाइट है, यहाँ पे हजार्ड लाइट है, और यहाँ पे इको टेक्नोलॉजी दी गई है। बाकी यहाँ पे बैटरी कनेक्शन की लाइट है, यहाँ पे इंजन की लाइट है, और यहाँ पे आपको टाइम इंडिकेशन शो करता है, यहाँ पे ट्रिप मीटर और ओडोमीटर शो करता है। बाकी यहाँ पे राइट साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पे किल स्विच देखने को मिलता है, और यहाँ पे हॉर्न की पासिंग स्विच और हाई बीम लो बीम यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे राउंड शेप में आपको मिरर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। बाकी स्टोरेज की बात कर लेते हैं दोनों की, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्टिवा 6G के फुट सीट स्टोरेज की, तो आपको उतना ज़्यादा सीट स्टोरेज नहीं मिलता जितना कि एक्सेस 125 में। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीट अंडर स्टोरेज देखने को मिल जाता है एक्सेस 125 में, और यहाँ पे आपको फुल फेस का हेलमेट आराम से आ जाएगा, यहाँ पे हाफ फेस का हेलमेट आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पे बाकी बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फ्यूल फ्लेयर दोनों में ही आपको मिल जाते हैं, लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, आपको मैंने बता ही दिया एक्सेस 125 का, और एक्टिवा 6G का भी काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लाइट चालू करने पे यहाँ पे ऑन होने पे यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट जलती है, तो काफ़ी अच्छी लगती है ये डिज़ाइन में, और यहाँ पे एक्सेसरीज लगे हुए हैं। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, आपको कौन सा लेंगे और कंफ्यूज है तो आप एक बार दोनों का ही टेस्ट राइड जरूर लें। बाकी यहाँ पे आपको इंजन के बारे मामले में बात करूँ तो यहाँ पे एक्टिवा 6G जो अब एक्टिवा 5G में थी, तो यहाँ पे 45 तक की माइलेज यहाँ पे लोग निकाल लेते थे, और ये जब एक्सेस 125 BS4 थी तो यहाँ पे आप बहुत लोग क्लेम करते थे, यहाँ पे निकाल लेते थे 75-80 KMPL की माइलेज में, यहाँ पे बहुत लोग बोलते थे कि निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रिव्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि YouTube पे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोनों में इंजन आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और यहाँ पे इसके बात कर लेते हैं माइलेज की, तो यहाँ पे 75-80 KMPL की माइलेज यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है, और यहाँ पे 55-60 KMPL की माइलेज यहाँ पे दे सकती है। बाकी मैं ऐसा नहीं बोला कि 75 आपको दे ही देगी, अगर आप खराब कंडीशन में भी चलाते हैं तो आपको 55 तक की KMPL की माइलेज यहाँ पे एक्सेस 125 निकाल के दे देगी। बाकी आपकी क्या राय रहेगी, आप कौन सा लेना चाहेंगे, आप ज़रूर बताना कमेंट में, और मुझे तो काफ़ी पर्सनली अच्छा लगता है एक्सेस 125, जो कि काफ़ी बड़ा इंजन है, और यहाँ पे चार लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, भले ये इल्लीगल है लेकिन आप छुप के बैठ सकते हैं, बाकी हम तो इंडियन लोग हैं। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कंफर्ट यहाँ पे ज़्यादा मेरे को देखने को मिलता है एक्सेस 125 में, जो कि फैमिली के लिए भी है, दोनों ही फैमिली के लिए है, लेकिन आपके ऊपर है आप कौन से ऊपर जाना चाहेंगे। और यहाँ पे बात कर लेते हैं अब इसके एक शोरूम और ऑन रोड प्राइस की, तो यहाँ पे एक्टिवा 6G की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऑन रोड प्राइस और एक्सेस शोरूम प्राइस जो कि आपकी स्क्रीन पर लिस्टेड हो रहा है, तो ये सिलवासा का है, और यहाँ पे एक्सेस 125 BS6 का जो आपको देख रहे हैं वो सिलवासा का आपको शो हो रहा है। और यदि आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपने कमेंट में जरूर लिखें स्टेट का नाम, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा यदि आपको जानना है तो। और वीडियो में बस इतना ही था, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लो, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहता हूं। तो बाकी आप देख सकते हैं सारी लाइनअप लगी हुई है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। बाकी आज हमें पटेल स्कूटर सेंटर साइन मोटर्स पे, जो लोग गुजरात के सिलवासा से बिलोंग करते हैं उन लोगों को ये मालूम होगा, और अच्छे अच्छे ऑफर्स यहाँ पर चलते रहते हैं, तो विजिट करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।